बनूं क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। जीवन क्या है, चलता दो आँखों ने एक से हंसना एक से रोना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। और आपके बारे में जो भी कुछ सुना है, मुझे लगता है कि आपको मेरे हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना चाहिए। उसे एक आदमी से मिलना जो ड्रग का धंधा करते हैं वहाँ, उन्हीं की वजह से तो मेरी यह हालत हुई है आज। Disgusting! तुमने देखा हम लोगों का रवैया दिल साहब की तरह, जैसे गोया कोई कोड़ी हो वो। I know Salim, and poets are supposed to be sensitive people. देखना सारी थकावट दूर हो जाएगी। चले फिर। चल चलिए। की कर दियो, कोई देख लेगा। चल मेरी गड्डी है। हाय हाय, माँ अंदर है। एक बार अपनी माँ से मिल लेता, कहीं दूर से अपने बीवी की एक झलक देख लेता। You mean Suresh's wife gave birth to a normal child? Exactly. Yes, Dr. Salim, मुझे अच्छी तरह शेखर की हालत का अंदाजा है। उसकी बीमारी से ज्यादा मुझे उसकी जज्बाती हालत की तरफ से परेशानी है। मैं ये प्रॉब्लम समझता हूँ मिस्टर साहिल, लेकिन फिलहाल तो ये जरूरी है कि उसकी ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू की जाए। लेकिन उसके लिए उसे सबसे पहले जहनी तौर पर तैयार करना पड़ेगा, और आप जानते हैं कि ही एंड मिसेस साहिल डोंट गेट ऑन टू वेल टुगेदर। आई मीन शी इज इन नो पोजिशन टू बी ऑफ हेल्प टू शेखर। दादी माँ? हाँ, शायद माँ जी। यस, शी परहैप्स इज द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड टू हुम ही विल लिसन। वो शायद उनकी बात मान ले। मैं माँ जी से बात करूँगा। वैसे मेरी एक साथी हैं, आप शायद मिल चुके हैं उनसे। वही ना जो फिल्में बनाती हैं और आपके साथ हॉस्पिटल में। या एग्जैक्टली। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। वो शायद हमारी कुछ मदद कर सकती हैं इस मामले में। शेखर उन्हें जानता भी है। हाँ हाँ, जरूर। प्लीज डू समथिंग डॉक्टर। आई ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर। अ टू कोल्ड ड्रिंक्स प्लीज। बोलो मुझसे क्या जरूरी बात करना चाहते हैं। कल मिस्टर जगमोहन मेरे पास आए और वो शेखर की तरफ से बहुत परेशान है। कह रहे थे कि वो दिन भर अकेले रहता है, सारा दिन कमरे के अंदर बंद पड़ा रहता है, शाम होते कहीं घूमने निकल जाता है, देर रात तक उसके कमरे में गिटार बजता रहता है। कुछ अजीब सा कुछ बता रहे। ये तो उसकी पुरानी आदत है। वो अपनी सौतेली माँ और अपने बाप से नफरत करता है। शायद वो अभी तक अपनी माँ की खुदकुशी भूल नहीं सका। मे भी, लेकिन जो भी है, इज एचआईवी पॉजिटिव और उसको अस्पताल में भर्ती करना जरूरी है, और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें उसे मिलकर उसे अपने कॉन्फिडेंस में लेना होगा, उसको डिप्रेशन के अंधेरे से निकाल कर हकीकत के उजाले में लाना होगा। कोशिश करते हो, लेकिन कल तुम जगमोहन के सेक्रेटरी से पता लगा दो कि वो शाम को कहाँ जाता है। वो जरूर कोई ऐसी जगह जाता होगा जहाँ तन्हा रह सके। डिप्रेस्ड और दुखी आदमी हमेशा तन्हाई ढूंढता है। Excuse
हेलो शेखर। ओह सीमा, मैं जानती थी कि तुम यहाँ मिलोगे। तुम जानती थी, मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम जानती हो मुझको। मैं तो खुद अपने आप को नहीं जानता हूँ सीमा। तो पीसली शेखर, मैं तुम्हें जानती हूँ। देखो ना ही मुझे कोई जानता है और ना ही कोई जानना चाहता है। ये शतरंज की बाजी सिर्फ मेरी है। इस चेस बोर्ड के दोनों तरफ मैं हूँ अकेला। शेखर, आई डोंट हैव द राइट टू एंटर इनटू योर प्राइवेट लाइफ, बट आई थिंक अभी आप ये कहेंगे कि मैं किसी से मिलता क्यों नहीं हूँ, बातचीत नहीं करता हूँ, अकेला क्यों रहता हूँ, यही ना? It's all irrelevant now. You know, I'm HIV positive. So what if I know? अब इस अंधेरे अंधे कुएं में जाने से मुझे कोई बचा नहीं सकता। इस बाजी को मैं हार चुका हूँ, बहुत देर हो चुकी है। शय से मुझे कोई नहीं रोक सकता। शेखर, जिंदगी शतरंज की बाजी नहीं है जिसमें हर मोहरे की चाल और रफ्तार तय है और जहां ये भी तय है कि वो किस तरफ जा सकता है और कितना पलट सकता है। लाइफ इज मच मोर कॉम्प्लेक्स एंड मिस्टीरियस देन दैट। हो सकता है, लेकिन अब आखिर में क्या फायदा? आई थिंक इट्स ऑल यूजलेस नाउ। ऐसा नहीं है शेखर। अच्छा अब ये बताओ, जो बाजी या खेल शुरू होता है उसकी हार जीत होती है, लेकिन नतीजे से बेखबर बाजी खेलने वाले आखिरी चाल तक खेलते हैं और पूरे जोश और जीतने की उम्मीद से खेलते हैं। ये तो है। तो फिर तुम जिंदगी और मौत की इस बाजी में हार क्यों मान रहे हो? अभी तुम्हारी बाजी बाकी है। ना उम्मीदी और डिप्रेशन तो मौत से पहले ही मौत है शेखर। पर मैं किसके लिए जिंदा रहूं, किसके लिए जीऊं? अब मेरी जिंदगी के मायने क्या है? इस जिंदगी का मकसद बेमाने है बिल्कुल। शायद तुम्हारे लिए, मगर दूसरों का भी तो कुछ है। देखो, if you are talking about Mr. and Mrs. Sehgal, then I don't care for them, okay? चलो वो ना सही, मगर दादी माँ? ऐ दिल बताएं क्या कि मोहब्बत में क्या मिला, बदले में हर वफा के जफा का सिला मिला। सब दोस्तों ने फेर ली आंखें करीब मर्ग, जीने का फिर किसी से नहीं हौसला मिला। अंकल क्या लिख रहे हैं? हाल दिल और दुनिया की बेवफाई की दास्तान लिख रहा हूँ। ये दुनिया की बेवफाई क्या होता है? तुम नहीं समझोगी बेटी, आ मेरे पास बैठो। अंकल यहाँ तो कोई भी हमसे बात नहीं करता, बस जब से आप आए हैं ना मेरा तो दिल लगा रहता है, कुछ बात करिए ना। हाँ बेटी, यहाँ पर जिससे मिलो वो अपने आप में गुम है। जी दिल साहब, लखनऊ से दो औरतें आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। और कौन होगी? वो होगी दोजखी मेरी बीवी। कह दो उससे मुझे नहीं मिलना है। अंकल आज आप बहुत बूझे बूझे से नजर आ रहे हैं। बुझती हुई शमा का धुआं सा हूं और अपनी मंजिल की तरफ जा रहा हूँ। चलो। अच्छा बताओ क्या सुनना है तुम्हें आज? बच्चों के गीत, नज़में, कहानी या आप बीती हैं? पहले मैं सुनाऊँ, कल जो पोयम आपने मुझे याद करवाई थी। हाँ बिल्कुल जरूर। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से चईफों से मोहब्बत करना, इल्म की शम्मा से हो।
अरे आप लोगों ने तालियां नहीं बजाई? अरे पता नहीं क्यों करते हैं। आई हेट दिस काइंड ऑफ इमोशनलिज्म, बेमकसद जज्बातियत। सलीम तुम्हें हो क्या गया? बच्ची बेचारी नजम सुना रही थी, बोर हो जाती होगी दिन भर अस्पताल के वार्ड में बस। और तुम क्यों तस्वीरें बांटती हो लोगों को, देवी देवताओं की? तो क्या गलत किया मैंने सलीम? इतने बेसहारा और गमजदा लोगों के पास कुछ तो हो सहारे के लिए। तो फिर दिलफन साहब को क्या जरूरत थी नजम याद करवाने की? जिंदगी शमा की सूरत। व्हाट शिट सॉरी, अपने घर वालों से नहीं मिलना चाहता है वो इंसान, अपनी बीवी से मिलने से इनकार कर देते हैं। लखनऊ से आए हुए वो लोग और दो बार चक्कर काट चुके हैं वार्ड के। लेकिन उनसे क्यों नहीं मिलना चाहते हैं? आई डोंट नो, बस जज्बाती हो जाते हैं। मैं मतलब कल मैंने उनसे क्या कह दिया कि आपके घर वाले आपसे मिलना चाहते हैं, हंगामा खड़ा कर दिया। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस मैन। बहुत अजीब आदमी है, अपने आखिरी दिनों में भी अपनों से नहीं मिलना चाहता है। आई रियली हेट दिस मैन समटाइम्स। ठीक है, बिना मर्जी के शादी हुई, बीवी बदसूरत है, मगर शायद गिल्ट महसूस कर रहे हैं। एंड ही कैन नॉट फेस हिज रिलेटिव्स, स्पेशली हिज वाइफ। कम इन डॉक्टर। हाय, कम इन। हाय सीमा। शेखर, सच तुम ही तो हो? शेखर। एनीवे, चाय कॉफी क्या लोगे? डॉक्टर, दिल्ली आने से पहले मैं टी गार्डन्स में था। एंजॉय, चाय पियोगे? केटली में दम की हुई लाइट। मैं देखती हूँ, वना राम सिंह कुछ गड़बड़ कर देगा और बना लाएगा कुछ 300 मील वाली कड़क चाय। सो कवर हाँ, सैटरडे परसों मंडे को। गुड, मुझे बहुत इत्मीनान है कि तुमने हॉस्पिटल में एडमिट होने का फैसला किया। तुम चाहो तो अपना गिटार और चेस दोनों ला सकते हो। बाजी खेलने वाले आखिरी चाल तक बाजी खेलते हैं डॉक्टर, उसी जोश और जीतने की उम्मीद के साथ। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। शेखर साहब, शेखर साहब, क्या बात है साहब, इतनी देर से पुकार रहा हूँ, मेरी तो मेडिकल रिपोर्ट ही गड़बड़ हो गई। कैसे हो वाइंस? मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसे हैं? ठीक है, थोड़ा जोड़ों में दर्द शुरू हो गया, कमजोरी सी है लेकिन यहाँ सुकून है। और यहाँ? वहाँ? हाँ, यहाँ भी हल्का महसूस कर रहा हूँ। और सुनाइए, आजकल शतरंज की बाजी चल रही है या नहीं? शतरंज की तो अपनी आखिरी चैंपियनशिप चल रही है साहब आजकल। आखिरी चैंपियनशिप किसके साथ? किसके साथ यही तो मालूम नहीं है माइनस। एनीवे, आपके साथ हो जाए एक बाजी? नहीं शेखर साहब, आज नहीं, मुझे सहगल साहब के साथ किसी जरूरी मीटिंग में जाना है आज। माइनस साहब, आप सहगल साहब बुला रहे हैं। मैं चलता हूँ साहब। माइनस, दो मिनट आपसे एक जरूरी बात करनी थी मेरे को। सर सहगल साहब। अरे रुक जाएंगे सहगल साहब, दो मिनट इंतजार नहीं कर सकते हैं सहगल साहब, आफत आ जाएगी क्या? आप भी माइनस हमेशा। I'm sorry, माइनस सर। जी सर। माइनस, मैं चाहता था आप मंसूर के बारे में कुछ आइडिया है, आपको कहाँ मिल सकते हैं? मुझे मालूम नहीं सर, लेकिन मालूम किया जा सकता है। बट वाई सर? नहीं ऐसा कुछ खास नहीं, पर अगर आप पता लगा के बता सकें कि इस वक्त वो दिल्ली में है या आसाम में तो। नहीं सर, अगर आप कहें तो मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ सर।
हाँ ऐसा अर्जेंट नहीं, लेकिन अगर पता चले तो प्लीज लेट मी नो। अरे सर आप समझिए सर, ये काम हो गया सर, हो गया सर। थैंक यू मैम, मैं चलता हूँ सर। ओके सर। कौन है? मैं मंजुला। शेखर भैया प्लीज दरवाजा खोलिए। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा मंजुला। प्लीज शेखर भैया दरवाजा खोलिए। मैंने कहा ना तुमसे मैं दरवाजा नहीं खोलने वाला हूँ। शेखर भैया इट्स इम्पोर्टेंट प्लीज। तुम्हारी समझ में नहीं आता, मैंने तुमसे कहा ना चली जाओ यहाँ से, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। भैया आज के दिन बहनें ऐसे नहीं जाती, अपनी कलाई बढ़ाइए, आज राखी है। मैंने हमेशा सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे दोनों भाई मेरे साथ होंगे, पर इतने साल तो आप नहीं रहे और अरविंद। मैं तो तुझे ये भी नहीं कह सकता कि मेरी उम्र तुझको लगे, फिर भी सुखी रहे। मंजुला न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी बिल्कुल नहीं जाना चाहती शेखर को इस हालत में छोड़कर। पुष्पा अगर वो इस साल नहीं गई तो उसे दोबारा स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। She had better go. ड्राइवर जरा यहाँ पे बाएं हाथ पे मोड़ लाना। कहाँ जाना है? चलो मलंग बाबा की हुई आते हैं। ओहो अब सीधे घर चलते हैं ना, किसी और वक्त जाओ। बाबा इसी वक्त मिलेंगे, दवा से ज्यादा दुआ असर करती है। वो गंडा तावीज अंगूठी ऑल सुपरस्टिशियस हम्बग। तुम जाओ मैं यही गाड़ी में बैठा रहता हूँ। जीवन क्या है चलता फिरता एक खिलौना है, जीवन क्या है चलता फिरता एक खिलौना, दो आँखों ने एक से हंसना एक से रोना है, जीवन क्या है चलता फिरता एक खिलौना।